वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं हंस और ये डीबी डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का लास्ट पार्ट है। तीन पार्ट में बना चुका हूं, आई बटन में आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में उनको ऐड कर दिया मैं अलग से प्लेलिस्ट बना के, वहां पे आप जाके देख सकते हो जजमेंट के साथ। लास्ट फाइनल बना रहा हूं, ये लास्ट फाइनल हो जाएगी, इसके बाद डीबी केस खत्म हो जाएगा। 498 की मैं पहले सीरीज बना चुका हूं, मेंटेनेंस डिवोर्सी ऑलरेडी बनी हुई है, तो फैमिली मैटर का सब टॉपिक क्लोज हो चुके हैं। अब बनाएंगे अपन ट्रैफिक पुलिस को, पुलिस एफआईआर के बारे में जो बेसिक नॉलेज आपके मौलिक अधिकार होते हैं उसको लेके रिलेटेड, या कोई नया जजमेंट आएगा तो फिर बनाएंगे। तो सबसे पहले आज आपका नाम और आपकी जगह जरूर कमेंट में लिख देना दोस्तों, सभी की मेरे फॉलोअर्स कहां कहां मेरी वीडियो जाते हैं, कहां कहां के लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कितने लोग मुझसे प्यार करते हैं, कितने लोग हंस लीगल हेल्प लाइन को कितने टाइमिंग से जुड़े हुए हैं, ये सब डिटेल लिख देना। नंबर मत लिखना अपना कोई भी, क्योंकि नंबर लिखोगे तो यहां पे कोई भी फ्रॉडिंग कर सकता है, लेकिन अपनी डिटेल और स्टेट का नाम और जगह का नाम बता देना भाई, आप कहां से और कितने टाइमिंग से हंस लीगल हेल्प लाइन से जुड़े हुए हो। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते काम की बात। मैं हूं हंस। देखिए दोस्तों, ये डीवी केस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस का डीवी सेक्शन 12 होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो होता है ना, वो कभी क्या होता है कि जब आप सेक्शन 9 का केस करते हो तो उसके बाद महिला आने का विचार नहीं होता, तो वो क्या करती है, डीवी का केस 490 टाइप का केस कर देती है। लेकिन डीवी का केस मैक्सिमम कोर्ट से होता है, कोर्ट से होने के बाद वो क्या करती है कि आप पे एक नोटिस आता है। काफ़ी लोगों के सवाल होता है कि सर मैं क्या डायरेक्ट क्यूसिंग पे जा सकता हूँ इसको विदाउट ट्रायल किए? तो देखिए दोस्तों, मेरा जवाब होगा जी हाँ, बिल्कुल आप क्यूसिंग पे जा सकते हो, लेकिन आपके पास क्या सबूत होना चाहिए इस चीज़ का, मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी कहती है कि आप बेगुनाह के क्या सबूत होना चाहिए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जब आपने कोई गुनाह नहीं किया तो बेगुनाह के क्या सबूत आपके पास, ठीक है? तो अगर आपकी पत्नी आप पे केस की है 490 ये डीवी का डोमेस्टिक वायलेंस केस किया है घरेलू हिंसा का, और आपके पास नोटिस आता है, पुलिस इसका प्रोटेक्शन ऑफिसर इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, तो आप नोटिस के जरिए आप डायरेक्टली क्यूसिंग पे जा सकते हो 482 में, जिसमें टाइमिंग ड्यूरेशन, आपके माँ बाप कहाँ थे, आप माँ बाप से अलग रह रहे बेदखली का अगर आपके है तो, जैसे आपके रिलेटिव के नाम ऐड कराइए, आपकी वाइफ जैसे आपके रिलेटिव आपसे काफ़ी दूर रह रहे थे वहाँ से कोई मतलब नहीं थे, आपका भाई का या जॉइंट परिवार में आप परिवार के साथ नहीं रह रहे थे, या जिसने उसने टाइमिंग डेट जी तब आप कहीं जॉब कर रहे थे, जहाँ पे आप ऑफिस में थे वहाँ की डिटेल होनी चाहिए आपके पास, ये काफ़ी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। इसमें इन्वेस्टिगेशन के बिना ही आप डायरेक्टली 482 में जा सकते हो डोमेस्टिक वायलेंस केस में, और डोमेस्टिक वायलेंस केस में आपका वकील एक रिप्लाई स्टेटमेंट देता है, आपको ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती इसमें। लेकिन अगर आपको जाना है 482 क्यूसिंग में, तो आप डायरेक्टली जा सकते हो जब भी आप डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का केस करती है आपकी पत्नी, और जैसे टाइमिंग डिले हो गया। देखो, डोमेस्टिक वायलेंस में काफ़ी चीज़ें अहम होती है भाई, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइमिंग ड्यूरेशन, कब घटना घटी। हो सकता है उस घटना पे आप ड्यूटी कर रहे हो, जहाँ पे वो घटना बताई उस टाइमिंग पे आप लोग कहीं बाहर अपने ऑफिस में होंगे, या फिर आप कहीं ड्यूटी कर रहे होंगे, कहीं भी आउट ऑफ स्टेट हो सकते हैं, आउट ऑफ होम हो सकते हैं आप लोग, ठीक है? इस सिचुएशन में आपके रिश्तेदारों का जब नाम ऐड करा रही, तो उस सिचुएशन में आप कहीं बाहर भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार आपके घर से बाहर रह सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो सकते हैं, एक विलेज से दूसरे विलेज में हो सकते हैं। ये चीज़ें होती है जो आपको क्यूसिंग पॉइंट होती है, आपको क्यूसिंग पॉइंट में हमेशा क्रॉस पॉइंट ढूंढना पड़ता है दोस्तों जी, आपके पास क्रॉस पॉइंट होना चाहिए, और उनकी कोशिश करें कि उनके एविडेंस आप इकट्ठा करने की कोशिश करें। अगर आपके पास ये सब चीज़ें मिल जाती है तो डेफिनेटली आप क्यूसिंग करा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया पूरा वीडियो, फिर भी अगर वीडियो समझ नहीं आता कमेंट में छोड़ देना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। सेकंड बात दोस्तों, सेकंड चैनल है मेरा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप सेकंड चैनल पर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी प्रॉपरली वीडियो आ रहे हैं आज की डेट पर, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको पसंद आते हैं वहाँ पर भी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम।